और चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां 2023 के चुनाव में बीजेपी का बस्तर पर फोकस है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लता उसेंडी शामिल की गई है। लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो सरोज पांडे को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और देखिए 2024 पर अब फोकस है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम तैयार की है। बस्तर में लता उसेंडी का एक बड़ा वो चेहरा है वहां पर, और ऐसे में उनको जगह दी गई है। लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, सरोज पांडे को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह की भी जगह बरकरार रहेगी। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लता उसेंडी शामिल की गई है। देखिए लता उसेंडी का कद बढ़ाने के मायने क्या है, फिर बस्तर लोकसभा सीट पर फोकस है। पहले कभी भी छत्तीसगढ़ से तीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं बने, लेकिन इस बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीन बनाए गए हैं। लता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर बस्तर को साधने की कोशिश है। 2013 और 2018 का अगर बात करें तो यहाँ पर बस्तर जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, और ऐसे में अब लता उसेंडी को जगह दी गई है। बस्तर लोकसभा सीट को साधने की कोशिश है और कुल मिलाकर 2024 पर फोकस है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लता उसेंडी को जगह दी गई है बस्तर, जो कि छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि सत्ता की चाबी है, ऐसे में कुल मिलाकर देखें तो 2023 और 24 दोनों पर फोकस है? बिल्कुल, देखिए प्रशंसा जी, बस्तर में यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का मजबूत महिला चेहरा है तो वो लता उसेंडी है। प्रदेश प्रभारी है ओम माथुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा और खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बस्तर में कैसे सुधारी जाए। बस्तर में देखिए 12 विधानसभा सीटें, 12 की 12 कांग्रेस के पास है, बस्तर की लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है। ऐसे में बस्तर से लता उसेंडी को जगह देने के कई मायने बहुत साफ है। देखिए 2003 में पहली बार विधानसभा से चुनकर आई थी, वो विधायक बनकर आई थी। 2003 2008 दो विधानसभा वो जीती, महिला बाल विकास मंत्री भी रह चुकी है रमन सिंह कार्यकाल में। लेकिन पिछला दो चुनाव 2013 और 2018 का वो मोहन मरकाम, जो पिछली बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा करते थे, अभी फिलहाल कोंडागांव से विधायक है, मंत्री है, उनसे वो हार चुकी है। लेकिन हारने के बाद भी इतनी बड़ी जवाबदारी उनको देना है, बहुत साफ है कि महिला आदिवासी चेहरा है और बस्तर को साधने की कोशिश है, क्योंकि बस्तर पिछली बार नरेंद्र मोदी की हवा चलने के बाद भी, मोदी के चेहरे होने के बाद भी केवल दो लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारी थी, एक बस्तर और एक कोरबा। ऐसे में इस बस्तर को साधने के लिए लता उसेंडी का चेहरा दिया गया। कहा जाता है कि लता उसेंडी जिस आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है उसकी बहुतायत है बस्तर में, तो अगली बार बस्तर में बड़ा चेहरा लता उसेंडी के रूप में होगा। लोकसभा लड़ाने की तैयारी और 12 सीटें उनके चेहरे के हिसाब से साधने की कोशिश, क्योंकि बस्तर में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। ऐसे में बस्तर को वापस अगर जीतना है, क्योंकि सत्ता की चाबी बस्तर और सरगुजा ही देकर जाता है, बस्तर में अगर सरगुजा और बस्तर में अगर चाबी लेना है आपको विधानसभा चुनाव की, तो आपको कोई ऐसा चेहरा देना पड़ेगा जो चेहरा सर्वमान्य भी हो और एक्सेप्टेबल भी हो। तो लता उसेंडी के रूप में वो चेहरा दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं, अब रमन सिंह के कद के बराबर लता उसेंडी को खड़ा करना, जबकि लता उसेंडी रमन सिंह के कैबिनेट में थी, महिला बाल विकास मंत्री, दो बार का चुनाव हार चुकी है, उसके बाद भी अगर उस जगह पर दी गई, मतलब बेहद साफ है आला कमान बस्तर पर पूरी तरह से फोकस। बिल्कुल, लता उसेंडी के चेहरे को प्रोजेक्ट कर इसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी 2024 के चुनाव में लेना चाहती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इस दायित्व से दिया, प्रदान किया, और निश्चित तौर पर उनकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और संगठनात्मक दृष्टि से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में निरंतर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और तेजी के साथ बढ़ रहा है।